गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वंस अगेन आई एम स्टार्ट योर क्लास फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ एंड सो लुक एट द बुक सीरियसली। द लेडी ब्राइटेंड ऑफ कोर्स अ होल व्हेन लेडी इज टेक दैट there is brightened a hole then rust brightened मतलब चमकना rust मतलब जल्दी से back मतलब पीछे found मतलब पाई wall means दीवार kept मतलब रखा था ring मतलब अंगूठी safety मतलब सुरक्षित back मतलब वापस फाउंड मतलब पाया जस्ट मतलब ठीक सेड मतलब कहा अमेजमेंट मतलब आश्चर्य विस्मय गेव मीन्स दिया गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के इवनिंग मीन्स शाम को हियर्ड मतलब सुना स्टोरी मीन्स कहानी मर्सीफुल मतलब दयावान डेयर मतलब हिम्मत टेस्ट मतलब परीक्षण अनदर मतलब दूसरा नॉनसेंस मीन्स मूर्ख वांट मतलब चाहना स्टे मतलब रुको टुमारो मीन्स आने वाला कल हैपेंड मतलब घटित हुआ वेरी नाइट देर रात को पैलेस मीन्स राजमहल राजमहल ऑफ द किंग द रॉयल ट्रेजरी मतलब शाही खजाना रॉब्ड मतलब लूटा गया कैरीड मतलब ले गए 40 चेस्ट मतलब 40 संदूकें गोल्ड मतलब सोना ज्वेल्स मतलब गहने मीन्स व्हेन जेमी सेड टू द दैट लेडी टू ब्राइटन द अ होल देन दैट लेडी गो टू द होल एंड रश्ड बैक टू द फर्स्ट एज सून एज पॉसिबल ही रीच टू द बाथ एंड found the hole there in the wall where is the hole where she had kept her ring safety because lady kept his ring that hole then she came back out to Ahmed and he said to the Ahmed I have found the ring just where you said to me about my ring I found at that place I would be she said and Ahmed's amazement she gave him a gold coin A lot of gold coins that lady gave to the Ahmed and that evening when Jamil saw the coin which carried by Ahmed and hear the story about the hole about the ring she said you see There is nothing to it and you think God is how merciful today because I predict about the ring and that ring hand by the that lady but I have no more dare to test
and other prediction for any other. So Jamil said to the Ahmad, "You are nonsense. If you want me to stay here with you, then you once again go at the marketplace tomorrow also." And now it happened that very night at the palace of the king, his royal treasury was robbed. 40 pairs of hands carried away in 40 chests, and that 40 chests, a lot of gold and jewels are there. So now explain in Hindi. Look at the book. जब अहमद बताता है कि वहाँ पे जो स्नान गृह है वहाँ पर किसी होल में, तो वह औरत तुरंत भाग कर उस स्नानागार के दीवार के पास जाती है जहाँ पर होल में, दीवार के होल में उसने अपने रिंग को सुरक्षित रखा था, और उसे लेकर वह तुरंत वापस अहमद के पास लौट कर आती है, और वह पहुँच कर तुरंत उसको बताती है कि मैंने अपनी अंगूठी, अपनी ये कीमती अंगूठी वहीं पर पाई जहाँ पर आपने हमको बताया था, उस होल में. सी सेड अहमद टू अमेज्ड अहमद अमेजमेंट, और इस पर वो अहमद के ऊपर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गए. और उसने क्या किया, जितने भी उसने सोने के सिक्के लिए थे उस औरत ने, सब अहमद को दे दिया, और अहमद सारे सोने के सिक्के लेकर शाम को जेमिल के पास जाता है. और जेमिल जब यह सुनती है, पूरी कहानी को सुनती है और सिक्के को देखती है, तो कहती है, देयर इज़ नथिंग टू इट, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आपको पता होना चाहिए कि भगवान जो है मर्सीफुल ऑन दिस डे, ये सिर्फ भगवान की दया है. आज के दिन भगवान हम लोगों के ऊपर बहुत खुश हैं, अहमद ने कहा. बट आई डेयर नॉट टेस्ट ऑन अनदर, लेकिन अहमद कहता है अब मेरे पास और हिम्मत नहीं है कि और दूसरे लोगों का भी इस तरह से परीक्षण कर सकें. तो जेमिल कहती है, तुम मूर्ख हो, इफ़ यू वॉन्ट मी टू स्टे हीयर विथ यू, विल गो टू मार्केट प्लेस टुमारो. तुम मूर्ख हो, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रुकूं, तो तुम कल फिर से उस मार्केट में जाओगे और प्रेडिक्शन का जो आप काम स्टार्ट किए हो वो जरूर करोगे. नाउ इट हैपेंड दैट ऑन दैट वेरी नाइट, क्योंकि अब देर रात को एट द पैलेस ऑफ द किंग, राजा के राजमहल से जो शाही खजाना था वो लुट गया था. 40 पेयर्स ऑफ हैंड्स कैरिड अवे 40 चेस्ट ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स, जिसमें 40 पेटी सोने और गहने जो है ले जाए गए हैं, तो वह भी लूट गया है. तो उसके बारे में भी अब आपको ही प्रिडिक्शन करना है. सो इन दिस वे टुडे योर एक्सप्लेन अप टू दिस पैराग्राफ इज कंप्लीटेड. टुडे योर होमवर्क इज लर्न एंड राइट टिक्ड वर्ड्स विथ हिंदी मीनिंग एंड मेक एंड लर्न 5 क्वेश्चन आंसर फ्रॉम टॉट एंड एक्सप्लेन पैराग्राफ. So thank you, have a nice day to all. I meet you in next video.